मैं 4G मैच चैनल से शुभम त्रिपाठी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके जो कि नंबर सिस्टम का है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में और यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर निकालना, है ना। स्क्वायर निकालने में क्या होता है ना, लोग बहुत सारे मतलब कुछ लोग तो मल्टीप्लाई करते हैं सीधे सीधी बात कि भाई उसके से जिस नंबर का स्क्वायर करना है उस नंबर को उसी नंबर से एक बार गुणा करा दो, तो गुणा कराने में क्या होता है आपका टाइम खराब हो जाता है। देखिए स्क्वायर निकालने बहुत सारे फार्मूले, लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो एकदम इजी होगा, या मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग आखिर जल्दी से जल्दी कैसे कैसे करके फार्मूले कैसे कैसे करके स्क्वायर निकाल सकते हैं। मैं आपको दो तीन फार्मूले बताऊँगा जो आपको अच्छा लगे आप कर लीजिएगा, और हाँ इजी फार्मूला वो नहीं। देखिए होता कैसे है स्क्वायर, स्क्वायर तो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ये भी लगा के निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग कैसे करेंगे आप लोग मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। उम्मीद है आपको मेरा ये स्क्वायर निकालने का तरीका अच्छा लगेगा। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ कि अपने चैनल 4G मैथ की, तो साफ साफ आप यहाँ पर देख सकते हैं अ यूनिट ऑफ स्टडी 91। तो जी हाँ, मेरा 4G मैथ चैनल स्टडी 91 की एक यूनिट है, जैसा कि सर ने आप लोगों को बताया होगा अगर आप स्टडी 91 के स्टूडेंट हैं तो, अदरवाइज 4G मैथ में आपका स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं मैथ से नंबर सिस्टम का एक कुछ पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर। देखिए दोस्तों स्क्वायर में क्या है ना, लोग टेंशन हो जाती है स्क्वायर कैसे निकालें। मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में हैं और अगर आगे आपके सामने क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे उसी संख्या का उसी में गुणा गुणा करेंगे तो आपका टाइम क्या हो जाएगा खराब। तो कुछ ऐसा सीखते हैं, देखिए अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। सबसे बड़े कोई भी फार्मूला लेके आप कुछ भी आप कर रहे हैं, अगर आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो आपका टाइम बचेगा। फार्मूला कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। हाँ ये है कि आप थोड़ा सा उसको स्टार्ट करने की कोशिश करिएगा, माइंड में कैलकुलेशन करिए, आपका काम आसान हो जाएगा। मैं अगर वर्क की बात करूँ डायरेक्टली तो जल्दी एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन जब भी आता है अच्छे से आता है। तो आइए बात करते हैं हम लोग, तो आखिर स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे देखिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मान लीजिए कोई नंबर एक से शुरू हो रहा है, मान लीजिए कोई नंबर एक से शुरू हो रहा है, जैसे कि आप मैं ले लेता हूँ 12। देखिए एक से शुरू हो रहा है, अब ख़त्म किससे हो रहा है इससे मतलब नहीं है। मैं अभी बात कर रहा हूँ दो अंकों की, यानी दो अंकों का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, मैं अभी सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आइए आप लोग आइए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए हमको 12 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर निकालना तो आपको करना क्या है, आपको मान लीजिए निकालना है 12 का स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे इसी संख्या को सेम टू सेम लिख देंगे। मैंने लिख दिया 1, फिर लिख दिया 2, 12 का स्क्वायर निकाला तो मैंने 12 लिख दिया। अब अंतिम वाली संख्या यानी 2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4, उसको बगल में लिख दिया, वही संख्या जो यहाँ पे लिखी है वही संख्या यहाँ लिखा। उसके बाद अंतिम वाली संख्या यानी 2 का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, कितना हुआ 2 का स्क्वायर 4। अब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, अब हमको क्या करना है ना, देखिए इधर वाली संख्या और इधर वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है, अब सिर्फ बीच वाली संख्या को देखिए बीच में क्या लिखा है 2, इस 2 को एक बार और लिख दीजिए आप, लिख दिया 2, बस हो गया काम हमारा। इसको आपको ऐड कर दीजिए, देखिए 4 2 और 2 4 और ये कितना 1, यानी 12 का स्क्वायर कितना आ गया 144। जी हाँ दोस्तों 144 हमारा यहाँ से आंसर आ गया, ठीक है। तो अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि बताइए आप कोई और नंबर ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया एक नंबर 18 का आप स्क्वायर कर दो, तो कुछ नहीं करना है इसी नंबर को बाहर लिख देना है 1, फिर लिख देना है 8 और इस 8 का आपको स्क्वायर कर देना है, यानी 8 का स्क्वायर करेंगे कितना 64, ठीक। अब हमने क्या बताया, ये संख्या और इन संख्या को आप वैसे ही रहने लीजिए, बीच वाली संख्या को एक बार और लिख दीजिए, यानी 8 के बीच 8, इन सबको ऐड कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे 2 नंबर आया है, हमको क्या चाहिए, हमको हमेशा यूनिट डिजिट चाहिए, तो यूनिट डिजिट हम यहाँ से ले लेंगे। यूनिट डिजिट बोल तो क्या है इसका 4, तो 4 ले लिया, इस 6 को इसके साथ हम ऐड कर देंगे, तो 8 8 16 16 और 6 22, इस 6 को इसमें प्लस कर देंगे, 6 8 8 16 6 22 की 2 2 इसमें जुड़ जाएगा, 2 1 3, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 324। दोस्तों ये बहुत आसान है, लेकिन हाँ मैं आपको बता दूं ये
रूल सिर्फ वहां फॉलो करेगा जहां पे आपका नंबर एक से शुरू हो रहा होगा, यानी एक आप कह सकते हैं कि 11 से लेकर के 19 तक ही ये रूल फॉलो करने वाला है। तो ये रूल भी हमारे काम का नहीं है, आप जानते रहिए। अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यूनिवर्सल मेथड से भी आगे बात करेंगे। तो आइए अब मैं आपको क्या सिखाता हूँ ना, आइए मैं आपको अभी सिखाता हूँ कि कैसे, अगर मान लीजिए कोई नंबर एक से खत्म हो रहा है तब के लिए क्या है, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई दूसरा टाइप पे आ रहा है, वो टाइप हो गया, वो एक से आप 11 से लेकर 19 तक काम करने वाला है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए कोई नंबर है जो एक से खत्म हो रहा है, जैसे 21 का आपको स्क्वायर बताना है, तो आप क्या करेंगे, देखिए वहां पे एक से शुरू हो रहा था, यहाँ पे एक से खत्म हो रहा है, फिर से वही करना है, यानी इसी नंबर को एक बार फिर से बाहर लिख देना है। देखिए हमने लिख दिया ये 2 और ये 1 लिख दिया, इस बार आपको एक इधर है ना, तो एक को छोड़ दीजिए, 2 इस 2 का इस बार फिर से स्क्वायर करके इधर लिखना है, 2 का स्क्वायर कितना 4, ठीक है, वैसे इसी संख्या को यहां लिखा, इस बार दहाई की संख्या, यानी इस संख्या का हमने क्या किया स्क्वायर कर दिया। अब जो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट था कि बीच वाला नंबर फिर से एक बार लिख देना, तो हमने फिर से लिख दिया और सबको ऐड कर दिया 4 4 1, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वहां पर एक से शुरू हो रहा था तो इधर से हम लोग जा रहे थे, इस बार एक से खत्म हो रहा है तो इधर से हम लोग आ रहे हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है। आइए एक नंबर और बात करते हैं, जैसे मैं ले लूं 41 का स्क्वायर, ठीक, तो 41 का स्क्वायर में क्या, ये हमने 41 को 41 लिख दिया, इस 4 का स्क्वायर करके इधर लिख दिया, 4 चौक 16, और इस वाली संख्या और इस वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है, इस संख्या को एक बार और लिख दिया 4, यानी 1 8 और ये कितना 16, यानी आंसर कितना आ गया 16 81। तो दोस्तों इसकी भी कुछ लिमिट्स हैं, ये सिर्फ वहीं पे काम करेगा जहां पे एक से नंबर खत्म हो रहा होगा 2 अंकों का, तो इससे भी हमारा काम तो चलेगा नहीं, है ना। तो जानते रहिए आप लोग, बाकी यूनिवर्सल मेथड तो अपने पास है ही। अब आइए बात करते हैं टाइप की और, कि मान लीजिए कोई नंबर रिपीट हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे मान लीजिए 22 का आपको बताना है स्क्वायर, तो तब क्या होगा, ये मेथड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये किसी भी नंबर पर फॉलो करेगा, कोई जरूरी नहीं कि 22 हो 33 हो 24 हो, नहीं, कोई नंबर रिपीट कर रहा हो नहीं, हर जगह फॉलो करेगा, इसी को हम लोग सीखते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है 22, इसका स्क्वायर करना है, देखिए सबसे इजी विधि मैं इसी को मानता हूँ, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो क्या करना है ना, इस 22 को इधर वाली संख्या और इधर वाली संख्या का आप स्क्वायर कर दीजिए, इस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना 4, इसके बाद एक जगह छोड़ दीजिए, इस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना 4, बचा कितना, एक जगह हमने छोड़ रखी है, अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × 4 ये बस, ठीक है, पहले हमने इसका किया फिर इसका किया और फिर इन दोनों का आपस में गुणा कर लिया, कितना हो गया 4 4 4। अब हमारा पुराना कॉन्सेप्ट बीच वाली संख्या को एक बार और लिखना है और सबको ऐड कर देना है, 4 8 और 4, यानी कितना आ गया 484, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, अगर समझ में आ रहा है अच्छा लग रहा है तो बने रहिए। आगे मैं आपसे बात करता हूँ दोस्तों कि किसी नंबर के बारे में, आइए मैं आपसे आगे बात करने वाला हूँ, कोई सा मैं एक नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको देख लूँ, हाँ कोई सा भी एक नंबर लेता हूँ 43, मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 43 का स्क्वायर, तो 43 का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे आप, अभी मैंने आपको बताया कि पहली संख्या का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना 9, दूसरी संख्या इधर वाली संख्या का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, बीच में एक जगह इतनी जगह हमने छोड़ रखी है, उसका क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, देखिए इस संख्या और इस संख्या को छोड़ देना है, जो संख्या बीच में आई है इसी संख्या को एक बार और लिख के इन सबको जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे कैसे, 9 का 9 आ जाएगा नीचे और ये 12 12 जोड़ेंगे कितना आएगा 24 आएगा ना, तो 24 की 4 2 बचा, 2 को हम इसमें ऐड कर देंगे, 16 और 2 18, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 1849। अब आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, कोई भी एक से लेकर के 100 तक की संख्या लीजिए, उसका स्क्वायर करिए आराम से निकलेगा, जैसे मैं आपसे कहूँ बड़ा नंबर लेता हूँ, ठीक है, मैं आपसे कहूँ कि आप 97 का स्क्वायर बता दो, कितने का 97, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना 81, 7 का स्क्वायर कितना 49,
अब क्या हुआ, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 9 का गुणा 7 में करेंगे कितना होगा 63। इस 63 को भी आने दीजिए, ये संख्या अगली संख्या को छोड़ देना है, इसको एक बार और लिख देना है। जब इसको हम एक बार लिख करके और इस सबको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 9 का हमने यहाँ पे क्या किया वैसे ही लिख दिया, इस 4 को हम इसमें जोड़ेंगे तो 63 और 63 आप जोड़ेंगे तो कितना होगा 60, 7 120 और 6 126 और इस 4 को भी हम इसमें जोड़ देंगे तो 126 और 4 130 यानी 13 बच रहा है। इस 13 को आप लाके यहाँ जोड़ दीजिए, 3 1 4 और 8 1 9 यानी 9409 हमारा आंसर होने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा दो अंकों का स्क्वायर निकालने का सबसे अच्छा तरीका, ठीक है, मैं इसको सबसे अच्छा तरीका कहता हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे तो पहली बार तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, दूसरी बात हमको फ़ायदा क्या मिलेगा इसमें, फ़ायदा ये मिलेगा ना कि जैसे आप कैलकुलेशन करना शुरू कर देंगे प्रैक्टिस, तो आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन तो माइंड में हो जाएगी, है ना। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, आपको मैं एक तरीका और सिखाता हूँ जिससे चीज़ें थोड़ी सी और आसान हो जाएंगी, पेन हमको कम से कम इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। आइए बात करते हैं, अब मैं बात करने वाला हूं ना बेस, बेस की। मैं एक बेस मान लेता हूं 50, एक बेस मानता हूं 50, एक बेस मानता हूं 100। तो फिलहाल मैं 50 के बारे में बात करने वाला हूं, तो 50 मैंने एक बेस मान लिया, ठीक। अब मैं आपसे कहूं कि आप मुझको 43 का स्क्वायर बता दो, कितने का 43 का, बात करते हैं 43 का आप हमको स्क्वायर बता दो। तो देखिए आपको अगर हमने बेस 50 माना है तो आप कैसे क्वेश्चन को करोगे सीखो मेरे साथ। मैं आपसे कहूँ 43 का स्क्वायर बता दो तो आपको तुरंत चेक करना है कि 50 से 43 कितना कम है। देखिए 50 से 43 कितना कम है, तो इससे इसको घटाएंगे तो आएगा 7, 7 आएगा ना, इस 7 का आपको स्क्वायर कर देना है। तुरंत चेक करना है कि 50 से 43 कितना कम है, 7 कम है, इस 7 का आपको स्क्वायर करना है और यहाँ लिख देना है 5 का स्क्वायर करेंगे कितना 49, ठीक। क्या समझा आपने, हमको उस नंबर को चेक करना है कि 50 से वो कितना कम है या 50 से वो कितना ज़्यादा है, जितना भी है ज़्यादा है उसका आप स्क्वायर कर लीजिए। देखिए दोस्तों इसमें क्या है ना, इसमें आपको कम से कम 1 से लेकर के 25 तक स्क्वायर अच्छे से याद होना चाहिए, नहीं याद है तो आपको थोड़ा सा वक्त लग सकता है।